इट इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन. सबसे बड़ी बात है ये फोरम है जो किसके लिए है, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, प्रीमियर फोरम ऑफ द वर्ल्ड फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन. ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें है. एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, इट शेप्स एंड स्ट्रेंथन्स ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस. दुनिया का जो ग्लोबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आर्किटेक्चर है गवर्नेंस का या इकोनॉमी का, ये इसको शेप करता है और इसकी स्ट्रेंथनिंग करता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन फॉर इकोनॉमी. इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट किया जाए, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ये फ्रेज याद रखना जरूरी है. इसके अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द G20 इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दूसरा इसका है हेल्थ, हेल्थ के बाद इसका है एग्रीकल्चर. ये कंट्रीज एग्रीकल्चर के बारे में भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, जिसके सीड्स अच्छे हैं उससे सीड्स लेते हैं, किसके पास डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज है, फर्टिलाइजर रेजिस्टेंट वेराइटीज है, और जो ये इसमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, इसमें ये एक दूसरे की मदद करते हैं, दे कॉपरेट ऑन. आई वुड लाइक टू ऐड दैट वंस आई हैड सम हियर और आई वाज वाचिंग स्पीच ऑफ ओबामा द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ही वॉज अ ग्रेट स्पीकर. ही सेड दैट द फंडामेंटल चैलेंज to any society, the fundamental challenge to any civilization is how they organize themselves. हम अपने आप को कैसे organize करते हैं, ये सबसे important challenge है. And how we organize ourselves peacefully. Peacefully हम कैसे एक दूसरे के साथ अपने आप को organize करेंगे different levels पर. And education is the potential bedrock for that organization. अगर हमारी education strong है तो ये बेडरॉक है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उस बेडरॉक के जो स्टूडेंट्स है वो आप है. स्टूडेंट्स आर द बेडरॉक्स ऑफ आवर बेस ऑन विच आवर फ्यूचर डिपेंड्स. यू आर द सोसाइटी फिलोसफी एंड गवर्नमेंट ऑफ टुमारो. लर्न टू बी पीसफुल एंड रेस्पेक्टफुल. Live peacefully with one another and with others. I would like to call